अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काज़मी रूहानी इलाज यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद रिजवानुल हसन शाह काज़मी अपनी टीम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर कोई शख्स बेटियों के रिश्ते के सिलसिले में परेशान हो, उसकी बेटियों का रिश्ता आता ही ना हो या मिलता ही ना हो, तो उसके लिए आज जो हम अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, ये एक इंतहाई मुजर्रब और ज़बरदस्त अमल है। इस अमल को कीजिए इंशाल्लाह ताला। इस अमल के बरकत से अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा और आपकी बेटियों का रिश्ता जल्द होगा। प्यारे नाज़रीन, आइए अब अमल के तरीका कार की जानिब चलते हैं, लेकिन इससे पहले हम अपने चैनल पर नए आने वाले नाज़रीन का खैर मकदम करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्यारे नाज़रीन, आइए अब अमल के तरीक़ाकार की जानिब चलते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिस लड़की का रिश्ता ना आता हो, उसके बाप भाई या कोई भी नेक आदमी इस अमल को करेगा, उसका तरीक़ाकार यूँ है कि सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 45, 46, 47 और 48, ये चार आयात हैं, जो इनको एक सफ़ेद कागज़ पर लिखना है ज़ाफ़रान और अरके गुलाब की स्याही बनाकर। तो ज़ाफ़रान को अरके गुलाब में मिक्स कर लें और उसका जब रंग निकल आए उसमें तो उसकी स्याही तैयार हो जाएगी, उससे जो है ना इस अमल को लिखें, इन आयात को। आयात आपको स्क्रीन पर शो भी हो रही है और मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ एक बार। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا। प्यारे नाज़रीन, ये आयात आपके सामने जो है मैंने पढ़कर सुना भी दी हैं। इन आयात को वो जो जिस बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, उसका बाप या भाई या कोई भी नेक आदमी जो कि नमाजी हो, वो इस अमल को एक सफ़ेद कागज़ पर ज़ाफ़रान और अरके गुलाब की स्याही से लिखे। लिखने के बाद उसके नीचे लड़की का नाम और उसकी वालदा का नाम भी लिखे। कैसे लिखना है उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर लड़की का नाम है आमिना, उसकी वालदा का नाम है कौसर, तो लिखेंगे आमिना बिनते कौसर। स्क्रीन पर आपको जो है ना उसकी मिसाल शो भी हो रही है, इस तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद आप कागज़ को फ़ोल्ड करेंगे। कागज़ को फ़ोल्ड करने के बाद किसी पाक साफ़ डब्बी में, वो शीशे की डब्बी हो तो बेहतर, अगर शीशे की डब्बी ना मिले तो कोई भी पाक साफ़ डब्बी ले लें, उसके अंदर उस कागज़ को फ़ोल्ड करके आप रख दें और डब्बी को बंद करके अच्छे तरीके से घर में किसी भी अंधेरी जगह पर, जहाँ पर अंधेरा रहता हो, वहाँ पर उस डब्बे को रख दें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द बेटियों का रिश्ता आ जाएगा। प्यारे नाज़रीन, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस अमल में कामयाब फरमाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। प्यारे नाज़रीन, हमारे वीडियो के नीचे कमेंट भी किया करें, अपनी राय का इजहार भी किया करें, इसे लाइक और शेयर भी करें और इस अमल की हर खास व आम को, जो जो भी मेरी ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखे, उसको इस अमल की इजाज़त है। इसके अलावा और किसी से इसकी इजाज़त लेने की कतान ज़रूरत नहीं। प्यारे नाज़रीन, आखिर में हमेशा की तरह सिर्फ इतना ही कहूँगा कि काज़मी रूहानी इलाज यूट्यूब चैनल की टीम और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।